हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है और कमोडिटी ट्रेडिंग में आप अपना ऑर्डर प्लेस किस तरीके से करेंगे। तो सारी जानकारी इस वीडियो में एंड तक बनी रहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग होती क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी काफ़ी तरीके की होती हैं। अब मान लीजिए कि आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको करना है जो चीज़ें प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, जैसे कि आपका ऑयल हुआ, ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी कमोडिटी में, ठीक है। उसके बाद गोल्ड में अगर आप करना चाहते हैं या फिर आप एल्यूमिनियम में करना चाहती हैं, इसी तरीके से काफ़ी सारी धातुएं हैं। आप किसी में भी अगर ट्रेड करते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसी चीज़ को बोलते हैं कमोडिटी, जो चीज़ें नेचर के द्वारा आपको दी गई हैं। तो अगर आप उनमें ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पर कि आप किस तरीके से इनमें ट्रेड या फिर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है धन ट्रेडिंग व्यू गूगल पर। तो आपके सामने इस तरीके से आएगा धन.co, ये इसकी वेबसाइट है। तो वेबसाइट के थ्रू नहीं करना है ट्रेडिंग व्यू, तो ये टीवी लिखा हुआ है, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा रिडायरेक्ट करेगा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। अभी दोस्तों ये आपको यहाँ पर लेके आ भी चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, साथ ही आप इसको यहाँ पे एक दिन या फिर आप इस तरीके से इसको कर करके देख सकते हैं। अभी ये 6 महीने के एनालिटिक्स आपको दिखा रहा है, अब ये 1 ईयर के एनालिटिक्स दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर कॉपर खुला हुआ है, ठीक है, जो धातु है। अब आप यहाँ पर एल्यूमिनियम को अगर सिलेक्ट करना चाहें तो आप इधर एल्यूमिनियम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर ये सितंबर की एक्सपायरी है, ठीक है, जो कि अभी मंथ एंड है, ठीक है, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैं इधर अक्टूबर को ले लेता हूँ, तो मैंने ये वाला ले लिया। अब दोस्तों इधर ए आपको अगर बाई करना है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये सेल का है और ये वाला बाई का। अदरवाइज आप इसको ऑर्डर पैनल के थ्रू यहाँ से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैं बाई पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इधर आप लिमिट या फिर मार्केट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इधर है, तो मैं इधर मार्केट ऑर्डर ही रखना चाहता हूँ। उसके बाद यूनिट मतलब की क्वांटिटी, तो इधर मान लीजिए कि मैंने 2 ले लिया। उसके बाद इधर आप टेक प्रॉफिट या फिर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, तो जो भी चीज़ें होंगी तो आप उनको लगा सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल या फिर इंट्राडे, तो आप इधर ये भी लगा सकते हो। उसके बाद आप बाई पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, लेकिन मेरा भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैंने फंडेड नहीं किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कमोडिटी में बहुत ही ईजिली अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आपको सेल करना है तो सिंपल आप यहां से सेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इधर क्वांटिटी वगैरह सारी चीज़ें डालेंगे, जिस तरीके से आप इंट्राडे और डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, मतलब किसी भी शेयर को खरीदते हैं, सेम यहां पर भी आप खरीद सकते हैं। बस बात यह है कि यहां पर आपने ये धातु लिया हुआ है किसी स्टॉक की जगह पर, ठीक है, वहाँ पर आप स्टॉक लेते हैं, यहाँ पर आपने ये धातु लिया हुआ है। अगर आप किसी और को भी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे कि क्रूड ऑयल वगैरह, तो आप उसको भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, तो आपके सामने वो आ जाएगा, फिर आप उसमें बाई या फिर सेल कर सकते हैं, उसमें भी ट्रेड आप कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉलेज पर्पज़ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से कम्युनिटी में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और कम्युनिटी में ऑर्डर प्लेस करने का जो टाइम है, सुबह 9 बजे से मार्केट ओपन होता है और रात को 11:30 बजे तक ओपन रहता है। तो इतने टाइम के बीच में आप ट्रेडिंग या फिर आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं कम्युनिटी में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका धन में डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप धन में डीमेट अकाउंट अपना ज़रूर ओपन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।